दिल्ली दी बुरुहां ते पिछले एक साल तो बैठे किसानों की जित मगरों पंजाब परते किसानों के चेहरे के विखी खुशी किसान जथेबंदियों का होया निघा स्वागत। गुरु की नगरी अमृतसर विखे पहुंचण ते किसान जथेबंदियों के आगू ने श्री हरिमंदर साहब विखे टेकिया मत्था। बलबीर सिंह राजेवाल भी नाल रहे मौजूद। किसानों की हुई वड्डी जीत तो बाद श्री हरिमंदर साहब विखे पहुंचे किसान जथेबंदियों का SGPC वालों किया गया जोरदार स्वागत। मंजी साहब दीवान हाल विखे SGPC वालों किसान जथेबंदियों को सिरोपा पा के ते श्री हरिमंदर साहब का मॉडल दे के किया गया सम्मानित। सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होए किसान आगुआ ने की अरदास। इस मौके किसान आगू दर्शन पाल ने कहा कि देश के लोगों का यह बहुत वड्डा अंदोलन रहा है। पहली बार हंकारी प्रधानमंत्री ते गृहमंत्री नूं चुकना पिया। पार्लीमेंट च बने कानून पार्लीमेंट च ही होए रद्द। दिल्ली तो वापस परते किसान जथेबंदियों का निघा स्वागत। सूबे के खजाने नूं चूना लगा रहे रेत माफिया का पंजाब सरकार ने किया खात्मा। पंजाब कैबिनेट दे वल्लों पंजाब स्टेट रेता ते बजरी माइनिंग पॉलिसी 2021 नूं प्रवान की दित्ती गई, जिदे तहत सूबे अंदर रेता ते बजरी का रेट 5 रुपए 50 पैसे प्रति फुट निर्धारित किया गया। पंजाब सरकार का मकसद गैर कानूनी रेता ते बजरी की माइनिंग रोकना ते पंजाबियों नूं एक किफायती रेटा ते मुहैया करवाना है। पहला जेड़ा रेता 16 रुपये तो लेके 22 रुपये तक नदी या दरियावां दे विच बिकदा सी, हालांकि रेट 9 रुपये सी। अज सरकारी रेट 9 रुपये है। ऐसी अपनी सरकार आने तो बाद बिल्कुल सीधा करता काम। तुसी किसे दरिया दे चले जाओ अज 9 रुपये रेटा मिल रहा, लेकिन ये भी महंगा है। इस करके अज ऐसी फैसला किया है कि हर दरिया या खड्ड ते रेते दा रेट 5 रुपये 50 पैसे होएगा। इदे नाल नाल पंजाब सरकार दे वल्लों जमीन दे मालिक नूं 3 फुट तक मिट्टी कढ़न दी मंजूरी भी दित्ती गई है, जबकि इट्टां दे पट्ठियां नूं माइनिंग पॉलिसी तों बाहर भी कीता गया है, क्योंकि पंजाब सरकार सूबे नूं तरक्की दीआं लीहां ते होर अग्गे लैके जाणा चाहुंदी है। तां ही तां हुण घर घर चली गल, पंजाब सरकार करदी है मसले हल। किसान आगू राकेश टिकैत ने दिता वड्डा बयान, कहा यह अंदोलन नहीं सी, ता सिर्फ ट्रेनिंग से अंदोलन होने ता अजे बाकी ने। उथे टोल प्लाजा ते रेट वधाए जाण नूं लैके कहा, जे कणक ते रेट वधणगे ता टोल प्लाजा दे वी वधा देवे सरकार। किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी ने राजनीति नूं लैके दिता वड्डा बयान, कहा देश की राजनीति नूं बदलण दी लोड़ है। देश च ही चुने लोग सानूं लुट रहे ने। राजनीति भी सेवा ही है, पर जिन्हां दी वोट है उन्हां दा राज होना चाहीदा है, पर जिन्हां कोल नोट है उन्हां दा राज आ गया। इस नूं बदलण दी लोड़ है। 14 दिसंबर नूं होवेगी पंजाब कैबिनेट की अगली मीटिंग। शाम 4:30 बजे पंजाब भवन च होवेगी मीटिंग। कई अहम मुद्दे ते होवेगी चर्चा ते कई अहम फैसलों ते लग सकदी है मोहर। पंजाब दे उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किसानों की हुई जीत तो बाद अज सवेरे श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होकर किया शुकराना। तड़के सवेरे 4 बजे के करीब श्री दरबार साहब पहुंचे डिप्टी सीएम ने निभाई पालकी साहब की सेवा ते कीता कीर्तन दा सरवण। पठानकोट के चक्की पुल के नेड़े वापरिया भयानक हादसा। आर्मी के जवानों की गड्डी खड्ड च डिगी, पलटियां खाती डिगी गड्डी। हादसे च 3 जवान हुए जख्मी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रात बचाव दल ने जख्मियों को मिलिट्री हस्पताल च करवाया भर्ती। जलंधर पठानकोट नैशनल हाईवे से होया भयानक हादसा। पिंड डली के नजदीक 2 कारों की हुई टक्कर, जिस पंजाब पुलिस का ASI और उसकी पत्नी की मौके पर मौत। उथे दूजी कार च सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। जानकारी मुताबिक एक कार भोगपुर वाल जा रही थी, दूजी कार जलंधर वाल आ रही थी। पंजाब विधानसभा चोणां तो पहला पंजाब आप दे को इंचार्ज राघव चड्ढा दा वड्डा दावा। कहा पंजाब सरकार दे 4 मंत्री साडे संपर्क च, कांग्रेस छड्ड आप च होना चाहुंदे ने शामिल, पर उहनां ते रेत माइनिंग दा गंभीर आरोप। आप ईमानदार पार्टी है, इसलिए असीं उहनां नूं पार्टी च लैण तों कीता इनकार। लुधियाणा दे एक निजी हस्पताल च आक्सीजन प्लांट दे उद्घाटन मौके एक महिला ने डिप्टी सीएम ओपी सोनी दे अगे रखी अपनी समस्या। मकान मालिक वल्लों धक्का करन नूं लैके परेशान महिला ने कहा, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई ते ना ही मेरी मदद। जिस तों बाद डिप्टी सीएम ने दिता भरोसा ते अफसरां नूं कार्रवाई करन दे वी दित्ते हुकम। पंजाब विधानसभा चोणां दे मद्देनजर सारी सियासी पार्टियां वालों जनता नूं दिते जा रहे लुभावने वादियां ते सांसद मनीष तिवाड़ी ने कस्या तंज। ट्वीट कर कहा, पंजाब सच जानन दा हकदार। 1992 तो पंजाब दी माली हालत बहुत ही कमजोर। जिहड़ी भी पार्टी 2022 दीआं चोणां तों बाद जितदी है उसका पहला ऐलान यह होएगा कि पंजाब दी वित्तीय हालत काफ़ी कमजोर। पंजाब विधानसभा चोणां दी तैयारियां नूं लैके वड्डी खबर आई सामने। भारतीय चोण कमिशन दी टीम आवेगी पंजाब। सारी राजनीतिक पार्टियां नाल होवेगी ऑल पार्टी मीटिंग। 2022 दीआं विधानसभा चोणां नूं लैके सारियां पार्टियां लई कीती जाएगी सलाह। 14 दिसंबर नूं श्रोमणी अकाली दल दे 101 साल पूरे होण ते मोगा दे पिंड किलीचाला च मनाया जाएगा वड्डा समागम। दलजीत सिंह चीमा दी अगवाई च होईआं समागम दीआं पूरीआं तैयारियां। समागम दे विच अकाली दल फूकेगी 2022 दीआं विधानसभा चोणां दा बिगुल। दिल्ली तों अंदोलन रद्द करके पंजाब परते किसानां दा हो रिहा जोरदार स्वागत। जत्थां दे जत्थे पहुंचे पंजाब लोकां ने फुल्लां दी वर्खा नाल कीता किसानां दा स्वागत। फिलौर लाडूवाल टोल प्लाजा, बछवाल जीटी रोड, कुतबेवाल जीटी रोड, मोली जीटी रोड ते भारतीय किसान यूनियन दुआबा ने लंगर लगा के कीता जेतू योद्धां दा स्वागत।
21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2021 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਨਾਸ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰ ਹਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਚਮਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। दिल्ली विखे किसान अंदोलन की जित मगरों जिथे देश भर च जश्न मनाया जा रहा, उत्थे फतेहगढ़ साहब च SSP संदीप गोयल ने किसानों की जित च खुशी च पुलिस लाइन च मनाया जश्न। टोल दी थापते उपर पाए भंगड़े, SSP ने किसानों की भी की तारीफ। पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ SK अस्थाना होए मैक्स अस्पताल च भर्ती। छाती च लगातार हो रही दर्द की शिकायत के चलते खराब हालत होने कारण उन्होंने करना पे आईसीयू च भर्ती। फिलहाल हालत अजे भी बनी है नाजुक। तरन तारण रोड से पैदे फिजियोथेरेपी क्लीनिक सेंटर के डॉक्टर के घर हुई चोरी। सारी घटना घर के बाहर लगे CCTV च हुई कैद। घर के मालिक हरप्रीत बावा ने वेची सी अपनी प्रॉपर्टी, जिसके सारे पैसे घर च ही पे से। फिलहाल करोड़ों रुपए की चोरी होने का दसया जा रहा खर्चा, पुलिस वालों जांच जारी। अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके च हुई कतल की वारदात। करियाने की दुकान चलाने वाले व्यक्ति का उसके गुआंढ़ी अमृतसर पुलिस च तैनात। SI ने गोली मार के किया कतल। परिवारक मैंबर का कहना है SI रखता से रंजिश, कई बार जानों मारन दे चुका सी धमकियां। PM मोदी ने ललिता घाट पहुंच के गंगा नदी विच कीता इशनान। PM मोदी गंगा दिया लहरा दे विचकार लंबा समा रुके अते फिर मां गंगा दी गोद विच उतर के कीता पूजा सिमरन। खाटिया घाट तो ललिता घाट वल जा रहे PM मोदी दे सारे रस्ते कीती गई फुला दी वर्खा। इस दौरान कुछ लोगों ने हारा नाल PM मोदी दा कीता इंतजार, जिन्हां नूं देख के PM मोदी ने अपनी कार रोक ली अते उन्हां दीआं भेटां नूं कीता स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ गलियारे का किया उद्घाटन। मोदी के सांसदी हल्के वाराणसी के ऐन विचाले पैंदे इस लांघे नाल पुरातन शहर विच सैर सपाटा नूं वड्डा हुलारा मिलन की उम्मीद। सरकार वालों डिपोजिट इंश्योरेंस सुधारा लई चुके गए कदम नाल बैंकिंग प्रबंध विच खाता धारकों का विश्वास वधाउण लई प्रधानमंत्री मोदी ने किया वड्डा ऐलान। हुण बैंक डुब्बन ते जमाकर्ता नूं मिलन वाले 1 लाख रुपए तक की म्याद वधा के 5 लाख रुपए की गई। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव तो पहले भाजपा और बसपा विधायक समेत कई सीनियर आगू समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी प्रधान अखिलेश यादव की मौजूदगी में गोरखपुर के चिलूपुर सीट से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी और संत नगर के खलीलाबाद खेत्र के भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण ने सपा में की शमूलियत। कांग्रेस आगू राहुल गांधी ने सरकार ते बोलिया तिखा हमला। कहा कि भारत हिंदुआ दा देश है, हिंदुवादिया दा नहीं, जो किसी भी कीमत ते सत्ता हथियाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते उन्हां दे 3-4 उद्योगपति दोस्तां ने 7 सालां विच देश नूं बर्बाद कर दिता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिंदू और हिंदूवादी टिप्पणी से भाजपा की आलोचना करने से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा की विचारधारा झूठ और धोखाधड़ी से आधारित है। उन्होंने दोष लाया कि भाजपा के आदर्श हिटलर और मुसोलिनी तो प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने सरकार कोरोना की तीजी लहर आने की सूरत में महामारी के टाकरे लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ही कहा कि भारत को विश्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन प्रणाली है और उत्तर प्रदेश ने भारत में इस महामारी नाल निजिठण लई सब तो वधिया प्रबंध किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 की जंग ने देखा कि धर्म के नाम उत्ते भारत की वंड जो कि ब्रिटिश राज तो आजादी मिलन वेले सानू हंडाउनी पई एक इतिहासिक गलती सी। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अतवाद अते होर भारत विरोधी गतिविधियां नू हुलारा दे के सानू तोड़ना चाहुंदा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मचारियों को आज श्रद्धांजलि भेंट करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान लिए हमेशा उनका धन्यवादी रहेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस पार्टी की प्रधान सोनिया गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और होर सियासी आगू भी रहे मौजूद। मध्य ते दक्षिणी अमरीका के कई हिस्सों में 30 तो वध वड्डे बवंडरां ने मचाई तबाही, जिस विच हुण तक 100 तो वध लोग मारे गए ने। कल्ले कैंटकी विच ही 70 तो वध लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उत्थे कई लोग लापता ते मलबे हेठां दबे हुए दसे जा रहे ने। अमरीका के मौसम विभाग ने कहा कि सब तो वड्डे तूफान ने 400 किलोमीटर तक तबाही मचाई है। कैंटकी के गवर्नर एंडी बिशाहियर ने खदशा जताते हुए कहा कि आने वाले समय च मरने वाले की गिनती 100 तो वध हो सकती है। कनेडा च तूफान ने 2 लाख लोगों के घर च किया हनेरा। दरअसल कनेडियन के सूबा ओंटारियो में तूफान ने लोगों के घर की बिजली सप्लाई कट दी है। कनेडियन सरकार मुताबिक इतने 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल हवावां चल रही ने। चीन के जिनजियांग सूबे में COVID-19 के मामले में वाधा किया गया दर्ज, जिसके चलते पूर्वी सूबे च लखां लोगों की यात्रा से पाबंदी लगाई गई है। कोविड के ताज़ा पुनर उत्थान के दौरान जिनजियांग प्रांत में 5 से 12 दिसंबर के विचकार 138 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
उत्तरी जापान के आओमोरी सूबे में बर्ड फ्लू के प्रकोप नाल निपटन और इसनों रोकने लिए 7,000 मुर्गियों को मारन का किया गया फैसला जापानी मीडिया की एक न्यूज़ एजेंसी वालों दी गई इसकी जानकारी। जापान के आओमोरी सूबे के अधिकारियों का कहना शुक्रवार को पोल्ट्री फार्म में कई पंछियों की मौत हो गई थी जिन्हों में N5 के लक्षण दिखाई दिए गए सन जिसके मद्देनजर प्रभावित फार्म तो 3 किलोमीटर के खेत में क्वारंटीन जोन स्थापित किया गया है। ब्रिटिश पुलिस ने लंदन के शाही निवास नेड़े अधिकारियों नाल हुई झड़प के दौरान एक व्यक्ति को मारी गोली। पुलिस ने दसा कि कैनसिंगटन पैलेस नेड़े हथियारबंद अधिकारियों नाल झड़प दौरान की गई है कार्रवाई। इजराइल की संसदीय कमेटी ने बीते दिन सबका प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी और उनके बालक पुत्र को सुरक्षा प्रदान न करने लिए किया मतदान। यह फैसला आज तो होगा लागू। जिक्रयोग सबका PM कई बार कह चुके हैं कि उनके परिवार को लगातार जानों मारन की धमकियां मिल रही हैं पर फिर भी संसद ने उनके परिवार को हटाए सुरक्षा प्रबंध। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से प्रधानमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि वह अपनी पहली सरकारी यात्रा से UAE जाएंगे। इस दौरान नफ्ताली बेनेट UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के नाल मीटिंग कर आर्थिक और फौजी संबंधों को मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। अफगानिस्तान के पश्चिमी फरात सूबे में अणपछाते हथियारबंद व्यक्तियों ने एक धार्मिक विद्वान की गोली मार के की बेरहमी के नाल हत्या। इतों के उच्च अधिकारी वालों अधिकारिक तौर पर दी गई इसकी जानकारी। कोरोना ने मुड़ तो अपनी रफ्तार फड़ ली है। पिछले कई दिनों तो भारत च रहने वाले लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है। उत्थे हुण बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और मलाइका अरोड़ा की भैन अमृता अरोड़ा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिक्रयोग है दोनों अभिनेत्रियां एक दूजे दियां बेहद करीब दोस्त ने ते हुण इन्हां दोवां दी इकट्ठिया दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने लंबे रिलेशनशिप तो बाद विआह करा लिया। विआह दौरान इस जोड़े की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई सी जिस तो बाद हुण इन्हां दोवां कलाकारां वालों सोशल मीडिया से विआह दीआं सारीआं रस्मां तो लैके विआह वाले दिन दीआं तस्वीरां सोशल मीडिया से अपने प्रशंसकां दे नाल सांझियां कीतीआं गईआं ने। तस्वीरां नूं लोकां ने काफ़ी पसंद। भारत के झोले च पिया करीब 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब। यह खिताब अपने ना करने वाली हरनाज संधु पंजाब चंडीगढ़ की रहने वाली है। हरनाज संधु ने इतिहास रचते हुए 79 देशों के प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए एक खिताब किया अपने ना। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली हरनाज संधु के घर होया विआह वाला माहौल। मिस यूनिवर्स के भरा हरनूर संधु ने कहा, मेरी भैन ने दुनिया च चमकाया साडा ते देश का ना। देशवासियों के नाल नाल उन्होंने भी अपनी भैन ते पूरा गर्व। TV सीरियल पवित्र रिश्ता तो फेम पाउण वाली अंकिता लोखंडे अपने लंबे समय के दोस्त विक्की जैन के नाल करवाउण जा रही है विआह। अंकिता के विआह दी रस्मां बड़ियां ही धूमधाम के नाल मनाईयां जा रही ने। दोनों ही जने विआह दी रस्मां निभाउंदे हुए बेहद खुश दिखाई दे रहे ने जिन्हां दी तस्वीरां सोशल मीडिया से बड़ी ही तेजी दे नाल वायरल हो रही ने। सोने ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ। ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 48,109 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 60,941 ਰੁਪਏ ਹੋਈ। तेगा इंडस्ट्रीज ने सोमवार को स्टॉक मार्केट में की मजबूत शुरुआत। कंपनी का स्टॉक करीब 70% के प्रीमियम नाल बाजार में होया लिस्ट। तेगा इंडस्ट्रीज के शेयर BSE से 753 रुपए से सूचीबद्ध हुए जो कि इशू कीमत नालों 6.23% वध हन। वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि तेजी नाल टीकाकरण के कारण अर्थव्यवस्था से कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट का प्रभाव घट गंभीर होगा। हालांकि इस विच कहा गया कि ओमिक्रोन चल रही ग्लोबल रिकवरी लिए एक ताजा खतरा पैदा कर सकता है। मंत्रालय ने सारे नागरिकों को सुरक्षित रहन और सारे कोरोना दिशा निर्देशों की पालना करने की भी की अपील। 22 स्टेट दूर दराडे खेतरों में वैक्सीन जीवन रक्षक दवाइया और जरूरी समान की ढोआ ढुआई लई ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। इस विच कहा गया कि 0 तो लैके 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम तो 10 किलो और 10 तो 25 किलो समेत वक् वक् पेलोडा के अनुकूलित ड्रोन किए जाएंगे पेश। तेजी नाल वध रहे लग्जरी इलैक्ट्रिक वाहन स्पेस विच अपनी हिस्सेदारी वधाउण लई BMW ने सोमवार नूं भारत विच अपनी फ्लैगशिप SUV कीती लॉन्च। BMW IX इलैक्ट्रिक SUV दी एक्स शोरूम कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए निर्धारित हुई।